नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज तवर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर कुछ जो टर्म्स यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं कि जिनके हमारे को बार बार मैसेज आते हैं कि सर इसका क्या मतलब हुआ और इसके इससे हमें क्या समझना है। तो स्पेशली जो नए लोग हैं, बिगनर्स हैं जो ट्रेडिंग के अंदर, उनके लिए ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इससे अच्छे से अवेयर भी होंगे। लेकिन आगे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। क्योंकि हमारा मिशन है और विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से अवेयर हों और खूब पैसा बना सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्सर आपने जो है ऑल्ट कॉइंस का नाम कई चैनल्स पे, कई वेबसाइट्स पे देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी बिटकॉइन नहीं होता, यानी कि जो भी अदर जो कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उनको हम ऑल्ट कॉइन कहते हैं। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि इथीरियम हो गया, रिप्पल हो गया, ऑलमोस्ट 1000-2000 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन को छोड़कर, उसको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। जब हम बिटकॉइन से ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स में ही ट्रेडिंग करते हैं। एक और वर्ड जो हम क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर ट्रेडिंग के अंदर सुनते होंगे, व्हेल। व्हेल का मतलब क्या है कि जो भी जो बड़ा ट्रेडर होता है या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो एंटर करता है और मार्केट में उथल पुथल मचा देता है, या तो बाइंग करेगा या हैवी सेलिंग करता है, तो जो मार्केट को मूव करते हैं उसको हम व्हेल कहते हैं। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, बिग व्हेल इज देयर, बिग व्हेल इज कमिंग इन दिस क्रिप्टो करेंसी या दिस कॉइन। तो इसका मतलब यही है कि एक बड़ा इन्वेस्टर जो है या ट्रेडर उसके अंदर घुस रहा है। अब एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगी, बैग होल्डर। बैग होल्डर वो पर्सन होता है जिसने बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई कॉइन को बाय किया हुआ है और वो फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसका प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा होगा, उस बंदों को या ऐसे जो वर्ड है तब यूज़ होते हैं बैग होल्डर। ये बहुत कॉमन टर्म है, बेयर या बेयरिश मार्केट, मतलब जो प्राइस होता है किसी सिक्के का या पूरी मार्केट का डाउनवर्ड होता है तो उसको बेयरिश मार्केट कहते हैं। ऐसे ही बुलिश मार्केट, जब कोई पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट होती है किसी कॉइन की या पूरी मार्केट की, तो उसको कहते हैं बुलिश रन। तो यानी कि आप सुनेंगे बेयरिश और बुलिश रन। ऐसे ही जब बिटकॉइन का प्राइस या किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस नीचे जाता है और लोग उसको बेचते हैं तो उसको डंप करना कहते हैं या डंपिंग कहते हैं या डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट कहते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर एक टर्म यूज़ होती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत कॉमनली यूज ये टर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिटकॉइन का प्राइस और हाई जाएगा और वो उसको हाई पे ही बाय कर लेते हैं और वो हाई जाने के बदले वो नीचे आ जाता है, तो इसको कहते हैं फोमो। तो इसी से कहते हैं कि ज़्यादातर फोमो से बचना चाहिए, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो इतने हाई पे ना बाय कीजिएगा। अब एक और टर्म यूज़ होती है, डिल्डो। डिल्डो यानी कि जब भी कैंडल जो है या तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी या रेड कैंडल दिखेगी, इसको डिल्डो कहते हैं। शेयर मार्केट में भी और क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में भी यही यूज़ होती है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं तो ये जो है वर्ड भी आपको कॉमनली जो सुनने को या देखने को मिलता होगा, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट। यानी कि आपको डाउट होता है कि अब पता ही नहीं मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी कॉइन, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगी, तो इस चीज़ के आप उस सोच में रहते हैं, तो उसको हम फड का नाम से बोलते हैं। एक वर्ड है डायोर, डू योर ओन रिसर्च। मीन्स यानी कि अगर आप कई बार किसी से सजेशन लेते हो और वो आपको डायोर बोलता है, इट मीन्स वो ये कहता है या सजेस्ट करता है कि भाई साहब आप खुद की रिसर्च कीजिए किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अक्सर हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि कई लोग जो है किसी के कहने पे कई कॉइन्स में फंस जाते हैं जो कि गलत कॉइन होते हैं। एक और बहुत कॉमन वर्ड जो यूज होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, वो है होडल। होडल मीन्स होल्ड योर पोजिशन, या होल्ड कीजिए इस कॉइन को या किसी क्रिप्टो करेंसी को। क्यों होल्ड कीजिए? क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो है फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर कई बार पैनिक सिचुएशन आती है तो आप उसको ना बेचें, तो इसलिए होडल यूज़ करते हैं। एक और वर्ड जो यूज़ करते हैं, जोमो। जोमो जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप ना समझ नहीं पाते कि करना क्या है और आप अपना चैन से बैठते हैं कि चलो देखते हैं हो क्या रहा है, सिचुएशन कहाँ कैसे जाएगी, उसको हम जोमो कहते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग की। अगर कई बार कहते हैं कि हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी और आप उसको तब बेचेंगे, इसीलिए कई बार आपने ये सुना होगा उसकी उसने जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, या आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है कहीं पे पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इसका मतलब है जो है आप बुल रन को एक्सपेक्ट। एक और बहुत कॉमन वर्ड है एम कैप। एम कैप का मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब किस जो
क्रिप्टो करेंसी की कितनी, जो टोटल अगर उनको जोड़ दें कितनी वैल्यू बनती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं उसकी। एक और बहुत कॉमन वर्ड जो यूज होता है मून या मूनिंग। हम कई बार कहते हैं कि दिस कॉइन इज मूनिंग, दिस क्रिप्टो करेंसी इज मूनिंग, बिटकॉइन इज मूनिंग। ये सब जो वर्ड्स हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं जब वो कोई करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है या अपवर्ड ट्रेंड में रहती है, तो इसे हम जो है मून या मूनिंग कहते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड यूज होता है पंपिंग। इसका मतलब है कि एकदम से उसमें एकदम से बाइंग आई है काफी सारी और उसका अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, तो कहते हैं कि दिस कॉइन इज पंपिंग। एक और बहुत कॉमन वर्ड है शिट कॉइन। शिट कॉइन का मींस यानी कि वो जो है उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है और उसमें कोई जान नहीं लगती है, ऐसे कर जो कॉइन्स को नहीं खरीदना चाहिए। तो ज़्यादातर हम कई बार सुनते होंगे कि दिस कॉइन इज अ शिट कॉइन और हमें इसे खरीदना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये टर्म्स यूज होती है शिट कॉइन करके। एक और आपको जो टर्म सुनने को मिलती है शॉर्ट करना, यानी कि आप जैसे लॉन्ग में आप बियरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगी, ऐसे ही शॉर्ट के अंदर आपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। एक और बहुत कॉमन वर्ड है रैकेट। कई बार हम ट्रेड के अंदर फंस जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हमें एक तरह से सदमा हो जाता है, तो उसमें हम ये टर्म यूज़ करते हैं RECT रैकेट, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और कई सुने तो आप समझ लीजिएगा वो बेचारा बंदा परेशान है। एक ऐसे ही एक और वर्ड बड़ा यूज होता है स्विंग करके, यानी कि मार्केट जो है ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, zigzag पोजीशन बना रही है, या कोई कॉइन जो है ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसको कहते हैं मार्केट इज ऑन द स्विंग, यानी कि मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रही है। और अगर सबसे वर्स जो सुनते हैं हम टर्म्स एश डार्क्स, यानी कि जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गया कि आपने सब कुछ जो है मार्केट में गंवा दिया है, इसीलिए हमने इस वर्ड को सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे वर्ड्स आप कभी सुने। तो ज़्यादातर जो वीडियो इस एंड तक देख रहे होंगे उन्हीं को ये वर्ड सुनने को मिलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और हम दुआ करते हैं आपके साथ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि कभी आप एश डार्क्स हों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं bitcoinexpertindia.com। और अगर आपने इस चैनल पर अगर एकदम से आपको अपडेट चाहिए तो नीचे जो बेल का जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।